मूंगफली सिर्फ पूंछ से जवाब दोगी? मुफू खाना मिला तुमको? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मंडे का दिन है और मुझे दो चार काम है, एक ऑडिशन बनाना है, कथक क्लास में जाना है और फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास में बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट द डे विद सम वर्कआउट। बहुत टाइम से मैंने योगा क्लास अटेंड नहीं करी तो मैं अभी योगा क्लास में जा रही हूँ। वहाँ मैं शायद ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाऊँ बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन बीइंग इन माय ब्लॉग, बट मैं ट्राई करूँगी थोड़ा बहुत जितना भी आपको दिखा पाऊँ। योगा क्लास तो खत्म हो गई है दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। कमाल की बात है, बॉम्बे सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि भीड़ कम होती है, रोड पे ट्रैफिक कम होता है, खाली खाली सड़कें होती हैं, काफ़ी लोग तो अभी तक उठे ही नहीं होते। बॉम्बे में थोड़ा लोग लेट उठते हैं अनलेस दे आर हेल्थ फ्रीक्स लाइक मी। हाँ, कोविड का टाइम याद आ जाता है जो बिल्कुल सड़कें खाली होती थी। आई एम नॉट कंप्लेनिंग दो, आई लव बॉम्बे और बॉम्बे किसी भी टाइम पर किसी भी स्टेट में मुझे किसी भी और सिटी से ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है यार, डन की। तो हाँ, अभी मैं जा रही हूँ कुछ फ्रूट्स लेने के लिए और डिनर के लिए जो भी मेरे को प्रेपरेशन करनी है फॉर माई डाइट, उसके लिए थोड़ा सामान लेने के लिए घर जाएंगे। और हो सकता है मैं अपने लिए एक फेस मास्क बनाऊं, वो यहाँ रेगुलर उपटन वो बनाऊंगी और वो लगाऊंगी क्योंकि ऑडिशन है तो थोड़ा अच्छा दिख जाऊंगी। और इसके बाद थोड़ी सी कथक की प्रैक्टिस करूंगी क्योंकि आज कथक क्लासेस और पूरा वीक में मेरे को टाइम मिल नहीं पाया रिहर्स करने का, तो क्लास से पहले थोड़ी सी रिहर्सल कर लूँगी मतलब प्रैक्टिस। भैया फ्रूट बताओगे? हाँ मैडम। अंगूर कैसे दिए? कौन सा वाला? ग्रीन। मीठा है क्या? एक बार टेस्ट कराओ। बैक टू माय लिफ्ट। Thank God for Google Pay in life, literally. अभी everything is digitally connected. मैं आज सुबह अपना wallet ले जाना भूल गई और मैं पहले ऑटो से गई अपना क्लास में, उसके बाद मैं फ्रूट्स लेने के लिए गई, उसके बाद मैं फ्रूट्स लेके ऑटो में वापस आई और ये सब मैंने Google Pay के थ्रू ही किया है क्योंकि आज मेरे पास wallet नहीं है। बट एवरीबडी नाउ हैज Google Pay, Paytm, सो इट्स ग्रेट। सो आई एम बैक फ्रॉम माई योगा क्लास और एज आई सेड अर्लियर, इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ एक उड्डन अपने फेस पे, जस्ट थोड़ा क्लेंजिंग हो जाएगा, थोड़ा मास्क हो जाएगा एंड मेरा ऑडिशन भी है तो स्किन ग्लो करेगी होपफुली। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी अपना रेगुलर उड्डन ओनली विथ 3 इन्ग्रीडियंट्स, दैट्स बिकॉज आई ओनली हैव 3 इन्ग्रीडियंट्स, दैट इज बेसन, दूध एंड लिटिल बिट ऑफ हल्दी। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। थोड़ा सा हल्दी, और अब मैं इसको करूंगी मिक्स। मैंने दूध ज्यादा डाल दिया और मेरा बेसन कम हो गया, अब इसके बाद मैं बेसन ज्यादा डाल दूंगी और ये उपटन कुछ ज्यादा ही बन जाएगा। तो ऐसा आप ना करें, थोड़ा देखकर
अपने हिसाब से बनाए क्योंकि अब ये यूज़ नहीं होगा, इसको मैं कल तो यूज़ करूँगी नहीं। यस, नाउ इट सीम्स बेटर। बस इसको ऐसे मिक्स करते हो। अच्छा बाय द वे, मुझे फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ये तो आप देख रहे होंगे। सो बेटा आई शो यू, ये कुछ हम अपने ट्रैवल्स से लेकर आए हैं बीच बीच में। दिस आई गॉट इन रोम, जिसका कि मैंने ब्लॉग अभी डाला है। ये न्यूयॉर्क से मैं लेकर आई थी जब मैं अपने शो के लिए गई थी US ट्रैवल करने के लिए। ये यॉर्क का मैग्नेट है, जब मैं वहाँ परफॉर्म करने के लिए अभी शूट करने के लिए गई थी सैन फ्रांसिस्को अगेन फ्रॉम माई US ट्रिप। नापोली इज़ नेपल्स फ्रॉम आर हनीमून। वेनेजिया इज़ वेनिस। दिस इज़ सेलम मैसाचुसेट्स अगेन US। ये भी मैं US से लेकर आई थी। आई रियली लाइक व्हाट इट सेज, इट सेज ड्रीम लाउड एक्सप्लोर डिस्कवर ड्वेल इन पॉजिटिविटी नो पॉसिबिलिटी एंड शाइन ऑन। दिस कपिल गॉट फ्रॉम लंडन, दिस वी गॉट फ्रॉम लंडन। ये आई डोंट नो व्हाई कपिल ने लगाया हुआ है 9X फॉरएवर यंग जलवा, जस्ट लाइक कपिल। और ये हमको ओसूला विनयार्ड से मिले थे। बन गया है मेरा उट्टन और मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने फेस पे। आप बोलोगे मेरी स्किन तो ऑलरेडी ग्लो कर रही है तो मैं ये क्यों लगा रही हूँ, बट यू नो हाउ मच ग्लो इज टू मच ग्लो एनी वे। गर्मियों में तो ये लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, एक तो ये ठंडा होता है फेस के लिए। एंड जैसे कि मैं अभी आपने देखा मैं धूप से वॉक करके आई हूँ, ऑल्दो मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ था बट फिर भी सन का कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आता ही है, आप कितना भी सनस्क्रीन लगा लो फिर भी। तो इट्स ऑलवेज गुड टू ऑलवेज कम बैक एंड डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आपकी स्किन को जितना नेचुरल प्रोडक्ट से नेचुरल रेमेडीज से ग्लो या रिजुवेनेशन मिल सके यू शुड कीप डूइंग दैट, एस्पेशली आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज। नाउ डोंट आस्क मी माय एज, आई एम नॉट गोना टेल, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता भी सकती हूँ मैं बट बाद में कभी। देखो मेरा तो फेस ऑलमोस्ट कवर हो गया पूरा। साइड द रूम एंड लुक एट मूफली। मूफली तुम्हारी गुड मॉर्निंग नहीं हुई अभी तक, कब से सो रही हो तुम, उठ जाओ मुफू। उठ जा, आ जा। ये देखिए ये डंडों का काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है इस बिल्डिंग में, कोई पेंटिंग का काम चालू नहीं हुआ है लेकिन डंडे यहाँ लगा के हमारा व्यू जरूर ब्लॉक कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ड्राई नाउ, टाइम टू वॉश इट। और अब मैं नहा भी लेती हूँ क्योंकि दीदी आने वाली होगी। ओह शिट, काफ़ी ड्राई हो चुका है तो अब मैं नहा भी लेती हूँ क्योंकि दीदी आने वाली होगी। इसके बाद मैं खाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट जो कि है दो अंडों का, एक एग वाइट एक एग होल विद वेजिटेबल्स का ऑमलेट। लुकिंग फॉरवर्ड, I hope you can see the glow on my face. सो नाउ माई प्लान इज़ कि मेरी कथक क्लास तो कैंसिल हो गई है बिकॉज माई टीचर इज़ नॉट वेल, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं लंच कर लूँ और इसके बाद मैं अपना ऑडिशन बनाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा एज इन है तो ऐड के लिए ही लेकिन उसमें मल्टीपल कॉस्ट्यूम चेंजेस हैं, सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। तो पहले मैंने सोचा कि मैं लंच कर लूँ, उसके बाद मैं अपना ऑडिशन बनाऊँगी आराम से। और क्योंकि आज कथक क्लास कैंसिल हो गई है तो मैं घर पे कथक की प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, सो दैट टुमारो व्हेन आई हैव माय एक्चुअल क्लास आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो यस, आज मैं खाने जा रही हूँ ज्वार की रोटी, मूंग दाल और बंद गोभी की सब्ज़ी और थोड़ी चटनी। ये है मेरा लंच।
एक रोटी, दाल, सब्जी और चटनी। दोस्तों मैं आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने जो है एक नई चीज सीख ली आज। एक्चुअली क्या होता था कि मुझे एडिटिंग करना जितना भी आता है अपने ब्लॉग्स के लिए वो बेसिक अपने आईफोन के एडिटर पे आता है, आई मूवी जिसको बोलते हैं, जो हमारे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। सो मैं यूजली उस पर एडिट करती थी। अब मुझे म्यूजिक डालना एग्जैक्टली उसमें नहीं आता था क्योंकि आईफोन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, यू हैव टू परचेज म्यूजिक फर्स्ट। बट आज मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं बाकी लोगों के व्लॉग्स देखती थी और उसमें मैं देखती थी पीछे से उन्होंने वॉइस ओवर्स भी डाल रखे हैं और अलग अलग तरीके के म्यूजिक भी डाल रखे हैं। सो आई डिसाइडेड टू लर्न इट ऑन माई ओन, फिगर इट आउट, एंड गेस व्हाट आई डिड। तो अब मैं वो ट्रिक अपने व्लॉग्स में भी यूज करूंगी एंड आई कैन नाउ पुट इन वॉइस ओवर्स एंड आई एम सो ग्लैड। मैंने आपको बताया था मुझे एक ऑडिशन रिकॉर्ड करना है जिसमें कि मुझे लुक चेंजेस करने हैं काफी सारे। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या क्या लुक एग्जैक्टली किस किस लुक के साथ प्ले करूँ। सो फर्स्ट तो बेसिक मेरा मेकअप है, जो मुझे बेसिक मेकअप करना है वो मैं करूँगी। आई विल प्ले अराउंड अलॉट विद माई हेयर एंड माई क्लोथ्स। तो देखते हैं, पहले बेसिक मेकअप करती हूँ, आपको दिखाती हूँ और फिर हम बाल करेंगे अपने। तो ये मेरे ऑडिशन के लिए आज का मेरा फर्स्ट लुक है। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई सनग्लासेस, ये पिंक बैग, दिस ऑरेंज ड्रेस, और क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं वेकेशन के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास एक सूट केस भी होगा। तो ये मेरा फर्स्ट लुक है जिसमें मैं ऑडिशन करूंगी एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब इस ड्रेस में ऑडिशन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सेकेंड लुक क्या होगा। एंड दिस इज माई सेकेंड लुक, इसमें मुझे ऑडिशन करना है, मेरा सेकंड टेक मुझे इसमें बनाना है। थोड़ा क्वर्की, मैंने आपको कहा था ना मैं दो चोटियां बनाने वाली हूँ यहाँ पर। सो दिस इज माय क्वर्की लुक एंड दिस इज माय थर्ड लुक। वैसे ये बीच हैट तो नहीं है बट मैंने कोशिश करी है इसको वो लुक देने की। एक्चुअली मेरे ऑडिशन में मुझे एक बीच साइड रिजॉर्ट में चिल करता हुआ दिखाना है, चार अलग अलग लड़कियां, इसीलिए चार अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मेरे पहने हैं और दिस इज माई थर्ड कॉस्ट्यूम। I hope I'm able to justify. This is my fourth and final look. I'm glad मैं चार takes, चार अलग अलग costumes में hair में कर पाई। Really, मतलब काफी दिमाग लगता है ये सब सोचने में कि character को किस तरीके से आप तैयार करो, hair, makeup, costume, क्या क्या पहनो। But yeah, it's fun. So this is my fourth look. This is again a beachy top. Finally, मेरा audition हो चुका है। ऑडिशन के बाद का सबसे बोरिंग काम होता है दोस्तों ऑडिशन में यूज़ किया हुए सामान को समेटना, जैसे कि कपड़े, और आपको तो पता ही है इसमें चार चार कपड़े थे, तो कपड़े, मेकअप, हेयर एक्सेसरीज, रब बैंड एक्सेट्रा, और कोई अगर प्रॉप्स यूज हुए हैं जैसे कि बैग, बुक, ट्राईपॉड, ये सब संभालना सबसे बोरिंग होता है। जो रायता फैलाया है उसको समेटना। और 5 बज गए हैं, मेरा ग्रीन टी का टाइम भी हो चुका है, तो मैं ग्रीन टी बना के लेकर आती हूँ अपने लिए, उसके साथ साथ मैं देखती हूँ वीडियोस और मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी है तो मैंने इंस्टेड ऑफ ग्रीन टी अपने लिए कॉफ़ी बनाई है और उसके साथ मैं खा रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो कि मेरे डाइट का पार्ट है। सो चीयर्स, लेट मी एंजॉय माई कॉफ़ी एंड देन आई विल डू माई कथक प्रैक्टिस। ये है मेरे घुंडूस जो कि मैं अभी बांधने वाली हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस करने वाली हूँ।
बज रहे हैं शाम के 7:30 और वैसे तो टेक्निकली शाम के 7:30 बजे मेरा डिनर का टाइम है, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी हंग्री, मुझे भूख ज्यादा लग नहीं रही है शायद क्योंकि मैंने लंच थोड़ा सा लेट किया था। मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने आज सिर्फ योगा किया और योगा मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि आज मैं शाम को कथक क्लास जाऊंगी तो आई विल गेट टायर्ड, और सिंस हमारी कथक क्लास आज नहीं हुई, सो आई एम थिंकिंग दैट मे बी आई कैन गो फॉर अ रन राइट नाउ, और जब मैं वापस आऊंगी तब तक एक्चुअली सच में मुझे भूख भी लग जाएगी, और उसके बाद मैं अपना डिनर प्रिपेयर करूंगी जो कि बहुत लाइट होने वाला है, मीनिंग बहुत लाइट इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, आई डोंट हैव टू डू मच। सो यस, आई विल टेक ऑफ दिस मेकअप जो कि मैंने ऑडिशन के लिए लगाया था, एंड देन आई विल गो फॉर अ रन। क्या जस्ट फिनिश्ड 5 किलोमीटर रन, फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम बाद वापस रनिंग कर रही हूँ, अदरवाइज वर्कआउट तो रोज़ ही करती हूँ लेकिन रनिंग करने में आलस बहुत आता है, लेकिन रनिंग करने के बाद जो मज़ा आता है फील्स रियली गुड। बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा पसीना आया हुआ है तो और ठंडी लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है। सोच रही हूँ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ 5-10 मिनट, उसके बाद जाते वक्त रास्ते से अपना सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और अपना मेकअप रिमूवर लेके जाऊंगी, घर जाकर खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, सो जाऊंगी, सिंपल लाइफ। सो गाइस, आई एम फाइनली होम और मैं नहा धो के अब फाइनली अपना हाईली एंटिसिपेटेड डिनर बना रही हूँ, आप देखना चाहते हो? आई एम मेकिंग एन एक्सट्रीमली हेल्दी डिनर, ये है सॉटेड वेजिटेबल्स एंड दिस इज 140 grams ऑफ चिकन। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डिनर टूडे, कांट वेट, अब मुझे भूख लग रही है। गाइस, मैं कोई मास्टर शेफ तो हूं नहीं, बट यार लुक एट दिस, ये क्या अमेजिंग ऑसम प्लेटिंग है, मतलब प्लेटिंग देखकर ये डिश खाने का मन कर रहा है, वाओ, सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑसम अमेजिंग लवली डिनर एंड अ वेरी हेल्दी डिनर। हाय मुफली, तुमने अपना खाना खा लिया? मुफू, तुम्हें मेरा खाना चाहिए, सॉरी आई डोंट शेयर। अब मैं अकेले बैठ के यहाँ पर ये अमेजिंग डिनर इंजॉय करूंगी और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ मुफू, मेरे खाने को देख के तुम्हें भी भूख लग गई? आ जा। जाओ पहले इतना खाओ। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो दूसरा हाथ यूज नहीं कर पाऊंगी अभी, एंड दैट्स अ कैरेट फर्स्ट। आई एम द बेस्ट, मुझसे बढ़िया कोई कुछ नहीं सकता इस दुनिया में, नहीं हो सकता, आई एम द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज ब्लॉग,
अब मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। ये देखो आप प्लीज 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 मुझे थोड़े सजेशंस दो कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं। मुफू बोलो सबको कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बोलो, देखा, बोल दिया उसने। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल माई अदर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।